घर से पैसे जेवर सब 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 उठा लो, फिर तुम और हम मुंबई जाके अपनी लाइफ सेट कर लेंगे। देखिए अगर पैसे कम लग रहे हैं तो हम 20,000 दे देंगे। आप संतोषी को काम पर भेज दीजिए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे रुको रुको, क्या हो गया, काहे भपक रहे हो? अम्मा और संतोषी ये घर छोड़ के चले गई है। अरे पगलाए गए हो का? ठीक कह रहे हैं भैया। भैया क्या हुआ दादी, दवाई कहाँ है आपके? आप अपना ख्याल रखना, हम बस यहीं हैं। और यूं आए बिट्टू दी, यही तो तुम्हारी परीक्षा है संतोष, तुम्हारे संतोष और हमारे प्रतिशोध का युद्ध है, देखते कौन विजयी होता है। कहाँ है तुम्हारी लाडली संतोषिया? तुमसे मतलब? जी अक्कड़ ना नागिन की तरह फपका ना सही है, पर हमको जी बताओ कि हमारे जेबत तुम्हारे पास है कि तुम्हारी लाडली संतोषी के पास? ऐसे बुढ़ापे में डाका लगा रही हो तुम और तुम्हारी संतोषी ने हमारी पत्नी के गहने चुरा लिए हैं? हमें लगता है इन लोगों ने चोरी नहीं किया। ए भैया तुमको जो लगता है ना अपने जेब में धरो और मुंह में फेविकॉल डाल के चुपचाप बैठे रहो। तू बंद कर अपना मुंह, किसी ने कुछ नहीं लिया है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अच्छा अच्छा चुप रहो, काय हल्ला मचा रहे हो? अभी संतोषी आएगी तो सब सच्चाई बता दे। हाय जी जी नहीं, अभी इनकी पोटली खोलो। चट्टिन कही की हमारी जेवर चुरा के बैठी है, खबरदार जो हमें चोर कहा। गुड्डू के पापा देखिए ना। हाँ अभी खोलते हैं, सारा मालमत्ता मिल जाएगा। अरे रुको अम्मा। करे बुढ़ी माई, बुढ़ियात में जेल जाने की इच्छा है का? हम तब से तुम्हारे लिए बात संभाल रहे हैं, पर तुम हो कि मुसिला की बैठी हो, कुछ तो बोलो। संतोषी ने कोई चोरी नहीं की है और ना हम चोर हैं, तुम लोग कुछ भी कह लो लेकिन भगवान सच्चाई जानता है। दया जी ऐसे मुंह नहीं खोलेंगे, चलो इनको लेके चलो थाने, जब वही अपना मुंह खोलेंगे। चलो चलो छोड़ो छोड़ो, अरे हमें बचाओ, छोड़ो। अरे ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे पंडित जी, दुनिया में पाप पुण्य का पाठ पढ़ाते हो ना, अम्मा ने चोरी की है, मंदिर में नहीं रखेंगे, थाने ले जाएंगे उन्हें। कैसा कलयुग है मां, उनकी रक्षा कीजिए। चल ब्रो, बहुत अमेजिंग पार्टी होने वाली है। क्या ड्यूड, वो क्या कहते हैं वो थर्ड क्लास लाइन है ना कि लड़की बस और ट्रेन का कभी हम इंतजार नहीं करते, एक जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है। तो मेरा लाइफ भी कुछ ऐसे ही है ना, आई मीन आई एम जस्ट लिविंग माय लाइफ, दैट्स ऑल। ओके सी यू, सी यू द पार्टी, बाय। पुष्पा गुंगरू बाबा रुको रुको, भागो मत गुंगरू बाबा, गुंगरू बाबा रुको रुको, गुंगरू बाबा, गुंगरू बाबा रुको रुको रुको, भागो मत, रुक जाओ। गुंगरू कम यहां, रुको कम यहां, गुड बॉय। स्टार्ट ना तू मेरा क्यूटी पाई। गुंगरू बाबा आपकी बात बहुत मानता है ना? लड़का इसलिए मानता है, लड़की होता तो शायद नहीं मानता। गो। जी सर आपको कुछ चाहिए था? हाँ लड़की। हाँ? I mean वो लड़की खाने वाली। खाने वाली? खाना बनाने वाली। ओ संतोषी। हाँ वही जो भी व्हाटएवर। तुम्हें पता ना उसे क्या कहना है? यस सर, पर पहले उसे आना तो चाहिए। माँ भी। क्या बात है धैर्य? हाँ
बोलो। वो मैंने पुष्पा को समझा दिया है कि वो खाना बनाने वाली लड़की को क्या कहना है। ठीक है। ओके, हम सब देख लेंगे। अच्छा माँ भी, आपको किसी ने बताया कि आज आप बहुत प्रिटी लग रहे हो? हाँ, मतलब ना चाहते हुए भी मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट देने का मन कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट की वजह? वजह क्यों चाहिए माँ भी? I mean, आप दुनिया की सबसे बेस्टेस्ट माँ भी हो। तो इसके लिए वजह थोड़ी ना चाहिए, आप उसके काबिल हो। You deserve it. You are so sweet, मेरा बच्चा। अच्छा, by the way, वो पैसे चाहिए, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, वो actually वो हमने तुमको कितनी बार कहा है, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है, जब चाहिए कबर से निकाल लिया करो। इसीलिए तो मैं कह रहा था भी, आप वर्ल्ड की बेस्टेस्ट माँ भी हो। अच्छा मैं निकाल लेता हूँ पैसे उसके पास। पुष्पा, उस लड़की का क्या हुआ? मैम हमने फोन तो किया था लेकिन। तो दोबारा कॉल करो। जी मैम। चलो माँ। अरे चलो बुढ़ी माँ, हमने कुछ नहीं किया। ए भगवान, कैसी निर्दयी औरत है। हाँ देखो तो, बुढ़ी औरत पे कैसा अत्याचार हो रहा है। ए बहन जी, ज्यादा तीन पांच मत ही करो, अम्मा जी ने चोरी की है, थाने ले जा रहे हैं उन्हें। हमने कोई चोरी नहीं की। राजा रहने दो आप, तमाशा मत लगाइए, यहाँ पर जाके घर जाके टीवी फिल्म देखिए, जाइए। हाय तैया, सको तो देखो जरा बूढ़ी अम्मा की कितनी भोली है, मगर तो राम राम राम। अरे आराम से, बीमार है वो, इतना काहे खींच रही हो। ए बड़े भैया, सकल तो तुम्हारी भी गुप्त रोग की मरीज जैसी है, पहले उसे सुधारो। अम्मा को दा दरोगा साहब सुधारेंगे। हाँ, ये पुष्पा देवी ने भी नरक मचा रखा है, धनादन धनादन फोन किए जा रही हैं, हम ना उठाएंगे। हे अम्मा, काहे अपनी दशा बना रही हो, बोल काहे नहीं देती, संतोषिया और जेवर कहाँ है? और भी जाइए संतोषिया, हमको हमारे जेवर चाहिए, बार बार उसका नाम ना लो। क्या हो रहा है यहाँ? सुनो, मेरा नाम अनंत मल्होत्रा है। दारोगा साहब, हम आप ही के पास। चुप, बोल मत, सिर्फ सुन। इस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ, हमारे थाना क्षेत्र में हमारे अलावा किसी को भी हाथ पांव चलाने का अधिकार नहीं है, क्या समझे? अब दारोगा जी, वो हम इंस्पेक्टर हैं। हाँ, अब कलेक्टर साहब, हम तो जी कह रहे थे ना कि जी बूढ़ी माई। अब बीच में मत बोलो। माने जी? जी सर। ये मार पीट पर कौन सी दफा लगती है? मार पिटाई पर भूल गए हैं सर। साहब साहब, हमने कुछ ना किया है, जो बूढ़ी माई ने चोरी की है इन्हें पकड़ो। हाँ साहब, जी बूढ़ा माई और इनकी पोती हमारे सारे जेवर लेकर भागी हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, चोरी किया इन्होंने। चोरी? पांडे जी? जी साहब। चोरी पे कौन सी दफा लगेगी सर? स्ट्राइक तो कर रहा है पर दिमाग में आ नहीं रहा है। अरे दफा हो यार, दफा तो तुमसे याद नहीं होगी। सॉरी सर। अच्छा एक काम करो, हाँ इन माता जी को जीप में बिठाओ, अब सारी दफाएं ना थाने में बताएंगे, क्या समझे? हमने कुछ नहीं किया। शांत माता जी, शांत, अब जो कुछ भी बोलना है ना वो थाने में बोलिएगा, क्या समझे? चलो इन सबको बिठाओ। अब साहब हम यहीं रुकते हैं, हमको ना कुछ जरूरी काम है। अगर आप इधर रुकेंगी तो गवाही कौन देगा? आपको तो साथ चलना ही होगा। हम यहीं रुक जाते साहब तो अब कानून की बात तो सुननी ही पड़ेगी, क्या समझे? हाँ जी, चलो जल्दी बैठिए। चलिए 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 चलिए।
मैम, उसने तीसरी बार फोन काट दिया, हम क्या करें? पुष्पा, अगर हमें तुम्हें बताना है कि तुम्हें क्या करना है तो तुम्हें हेड बनाने का क्या फायदा? खुद सोचो कि उसे कैसे कांटेक्ट करना है। इट्स योर प्रॉब्लम। संतोषिया ने तो मरवाई दिया। जब डंडे पड़ेंगे तब ही मुंह खोलोगी का? अभी वक्त बता दो। चाहे कुछ भी हो जाए, सच तो ये है कि हमने और संतोषिया ने कुछ नहीं किया है। अरे बूढ़ी माई, बता दो अभी भी, नहीं तो जब पुलिस वाले बहुत मारते हैं। हम एक बात बताएं, जे अम्मा और संतोषिया जेवर बेच खाए हैं सर। से बैठे हैं, चकर चकर कर रहे हैं, अब कोई नहीं बोलेगा, समझ गए ना? लो, मसाज भेजने वाले ने मसाज तो भेज दिया, अब पड़ेगा कौन इनका बाप? देवर जी, अच्छा आप पढ़ के बताओ ना, क्या लिखा है? लिखा है कि लड़की नहीं आई तो नौकरी गई। कह दो उन्हें संतोषी नहीं आएगी। हाँ हाँ बूढ़ी माई, सब तुम्हारी लगाई हुई आग है, अब तो शांत बैठो, का इनकी नौकरी खाकर ही मानोगी? हमारे नौकरी की चिंता मत करो, हमारे नौकरी को कुछ नहीं होगा। तुम बड़े लाडले हो मालिक के अपने, है ना? अरे वो लोग बड़े लोग हैं, अभी कभी बैठे हो उनके साथ जो तुम्हें मालूम होगा का है उनके मन में? जैन कई वर्ड की बाबूजी, आप तो जैसे बड़े लोगों के बीच में उठी बैठी है, नहीं? अब और नहीं तो का, वो तो किस्मत फूटी थी जो इस घर में छा दी हो गई हमारी। कुछ देखो तो बफनी पड़ी रहती है। आए दयो, आए जैन है। अब आप पुष्पा जी, आप नाराज मत होइए। देखिए हम वो नहीं 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 मैं अबे पीछे मच्छी बाजार बना दिया जब से बैठे हैं, थोड़ा जल्दी नहीं चल सकता तू? जी सर। बिट्टू दे है। जा कहाँ रही है और साथ में कौन है? देखते हैं, हम और संतोषी एक दूसरे सच्चे वाला प्यार करते हैं। ये लड़का बिट्टू तो इसके साथ क्या कर रही है? अरे ये तो पंचर हो गया। नहीं, इनके सामने जाना ठीक नहीं होगा, यहीं से देखना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ तो कोई आसपास देख करने वाला भी नहीं है। इतनी धूप में ऑडिशन से पहले मेरा रंग खराब नहीं हो जाएगा? अब ये ऑडिशन क्या है? ऐसे खटारा बाइक लेकर आए क्यों? दे दिया ना धोखा, अब लेट पहुँचेंगे तो काम भी हाथ से निकल जाएगा। तुम इस बात की चिंता क्यों कर रही हो? बोलो, तुम्हें पता है डायरेक्टर हमारा दोस्त है, बोले हमारी गर्लफ्रेंड को सीट छोड़ देगा। गर्लफ्रेंड?
इसका मतलब उस रात ये लड़का बिट्टू दी से मिलने आया था। अब बाइक छोड़नी पड़ेगी, क्या करें बोलो, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो पैदल जाएंगे? अरे पास में ही तो है। तुम्हारी खटारा बाइक ने तो साथ छोड़ दिया, अब तो चलना ही पड़ेगा। चलो चलो। ये लड़का हमें ठीक नहीं लग, पता करना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। वाह, आह, यहाँ है ऑडिशन? हाँ, यही तो वो जगह है जो तुम्हें जन्नत ले जाएगी। अच्छा कहने लाई हो? हाँ। लाओ लाओ हमें दे दो, पहले सब फाइनल तो हो जाए। अरे फाइनल ही समझो, बस सलमान तक फोटो पहुंचने तक की देर है। अच्छा ये बताओ तुम गहने लाई कैसे? बहुत लंबी कहानी है। भयंकर हो यार तुम। वो तो हम हैं। तो तेरी चोरी की। ए संतोषी माँ, अच्छा हुआ आपने हमें बिट्टू दी से मिलवा दिया, वरना अनर्थ हो जाता। हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो एक काम करो, अब अंदर चले जाओ और कोई पूछे तो बोलना राधे मोहन की गर्लफ्रेंड। अरे राधे, अरे पप्पू जी, आओ आओ आओ। बिट्टू ये तुम्हारे डायरेक्टर है पप्पू जी, नमस्ते करो इन्हें। नमस्ते। नमस्ते सर। राधे ने जितनी तारीफ की थी उससे ज्यादा सुंदर। बस अब काम देखना है, राधे के कहने पर ही हम तुम्हारा ऑडिशन लेने के लिए तैयार हुए हैं। छोटा भाई है अपना ये। थैंक्स सर। अच्छा चलो अंदर जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ हाँ चलो चलो तुम अंदर जाओ। अरे यार तुम तो पक्के डायरेक्टर लग रहे हो यार, उसे बिल्कुल शक नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं ये लोग, पक्का कुछ कर पड़ा। बस एक बात बता। कुछ हा? ये माल तू लाया कहां से है? एकदम कड़क है यार। लड़की सलमान खान की फैन है, अब भाई का सपना दिखाया पट गई। अब दिल वालों के पास दिमाग तो होता नहीं, अब बनेगी फिल्म। एक हीरोइन और हम सब हीरो।
अब बनेगी फिल्म, एक हीरोइन और हम सब हीरो। हाल तो मस्त है, मूवी भी धांसू बनेगी, लेकिन बजट लेकर आई है या फ्री में ले आया? अरे लड़की ने घर के गहनों का हाथ साफ किया है, अभी उसी के पास है, एक बार वीडियो बन जाए घर भी उठा के ले आएगी। वीडियो? अरे बड़ा कमीना है तू, हैं? वो तो मैं। अच्छा चलो चलो अभी शूट स्टार्ट करते हैं, नहीं तो शक हो जाएगा उसको। हाँ चलो 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 चलो। नीच लोग हैं ये, हमें किसी भी हालत में यहां से बिट्टू दी को निकालना पड़ेगा।